हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आखिरकार बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर मिल ही गया जिसका इंतजार था। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बेहद खुशखबरी है क्लास टेंथ के स्टूडेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर मिला है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर। फ्रेंड्स, अधिकतर बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। चलिए आपको दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, यहां पर अभिक्रिया NH3+5O2 गिव्स आउट 4NO+6H2O निम्न का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर उदासीन अभिक्रिया। ये आपका खंड क है, खंड ख, खंड क आपका, ये खंड आ में बटा रहेगा। जैसा कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 2 होगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे आपके 6 नंबर वाले, और यहाँ पर एक एक नंबर आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का दिया जाएगा जो आपका बिल्कुल फिक्स रहेगा। एक नंबर अगर आपका सही चला जाता है तो आपको पूरे के पूरे एक नंबर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका प्रश्न ऑप्शन सही है उसमें से आधा नंबर काट लिया जाए। बहुविकल्पीय नंबरों का प्रश्न एकदम फिक्स रहता है। जैसा कि यहां पर खंड ख, खंड ख के लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए, एसिटिकम्ल फॉर्मेल्डिहाइड, इन सभी का IUPAC नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले ही वीडियो में IUPAC नेमिंग करने की बनाए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज तथा अयस्क में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को हमने कई बार सॉल्व कराया था, खनिज और अयस्क में अंतर बताए हैं। यह वीडियो, इस टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स, यह भी सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3+ को 250 सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्मित पदार्थ का नाम बताइए, भी सॉल्व कराया गया है। अधिकतर प्रश्न जो कि इस पेपर में मिल रहे हैं वो सभी पढ़ाए गए हैं, सॉल्व कराए गए हैं। फ्रेंड्स, यहां पर दहन, ईंधन, ये सभी कराया गया था। अनुवांशिकता की परिभाषा लिखिए, अनुवांशिकता के जनक कौन है, उन्होंने अपने प्रयोग में किस पादप पर किए अपना प्रयोग, तो कौन से पादप पर किए थे, मटर के पौधे पर। ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय का है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं आपके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अथवा लगाकर पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखने का ट्रिक भी आपको बताया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं जल्दी याद नहीं हो पाते, इसलिए उस प्रश्न को लिखने का आपको ट्रिक भी सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के रियल पेपर जो कि आपका पूर्णांक 70 का होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे, और ये 2020 विज्ञान का ये पेपर है जो भी पूछा गया था, रियल ये पेपर हमने दिए थे, अभी तक रखे हुए हैं। इसमें भी देखिए अधिकतर क्वेश्चन क्षारीय विलयन का पीएच मान है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसमें भी अधिकतर क्वेश्चन कराए गए हैं। परागण की परिभाषा लिखिए, परागण कराया गया है, समझाया गया है। जीवाश्म को परिभाषित कीजिए, वन्य प्राणी को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वन्य जीवन कैसा होता है, सजातीय श्रेणी
ये सभी फ्रेंड्स कराए गए हैं। यहां पर आयनिक यौगिक किसे कहते हैं? NaCl के बनने की क्रिया इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु द्वारा समझाइए। ये सभी देख लीजिए। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम है, ये है फ्रेंड्स एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो होता है ये होता है एथेनॉल, ऑल लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ये देखिए गलत कर दिए थे, मेथेनल लगाए थे, ये गलत है क्योंकि मेथेनल नहीं होगा, एथेनॉल होगा। तो फ्रेंड्स ये था पेपर का रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक मॉडल पेपर, हर एक महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।